वक्फ कानून में संशोधन का मुद्दा फिलहाल गर्म है और फिलहाल ये मामला जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास है और उसको लेकर पूरे देश में एक तरह से बहस है और एक तरह से एक जो है कि ऑनलाइन वोटिंग का भी एक प्रयास चल रहा है जिसमें कि लोगों के मत मांगे जा रहे हैं पक्ष या विपक्ष में। तो हम देख रहे हैं कि इसको लेके जिस तरह से लोगों में जागरूकता है, लोगों में चर्चा है, तो एक तरफ मुस्लिम समाज हैं और दूसरी तरफ हिंदू समाज हैं और दोनों तरफ से फिलहाल वोटिंग चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि पक्ष और विपक्ष में अपनी संख्या बढ़ाई जा सके। इसी के मद्देनज़र फिलहाल हम यहाँ पर खार के में आए हुए हैं और खार में देखिए एक शीतला माता मंदिर है, यहाँ पर हनुमान मंदिर भी है, गणेश जी का यहाँ पंडाल भी है और यहाँ पर एक सकल हिंदू समाज की तरफ से भी एक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है स्कैनर, जहाँ से कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके संशोधन के समर्थन में लोग वोटिंग करें। तो इस तरह का ये देखिए पोस्टर लगाया गया है, QR कोड यहीं पर लगाया गया है और इस किस तरह से लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा भी हो रहे हैं जिसमें महिलाएँ हैं, पुरुष हैं और लाइन लगाकर लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संशोधन के पक्ष में समर्थन किया जा सके। तो ये कोशिश यहाँ पर चल रही है, ये बैनर लगाया गया है उसके समर्थन में, जरा थांबा ना एक दा वासा तरिया ने, जरा रुकिए और एक बार पढ़िए। और सकल हिंदू समाज की तरफ से ये है कि इसको स्कैन कीजिए, स्कैन करके उसके समर्थन में आप अपना मत दीजिए। देखिए ये स्कैन कर रहे हैं, यहाँ पर एक लिंक आ गई, अब क्या करेंगे, QR कोड पे क्लिक करेंगे। QR कोड पे एक रेडीमेड मेल है जो JPC को भेजना है हमको कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं, तो मेल डायरेक्ट JPC को जाएगा। तो ये हम सभी हिंदुओं से निवेदन कर रहे हैं कि आप ये सब मेल डालिए ताकि जो वक्फ जो कानून है, जो काला कानून है, वो रद्द हो जाए या फिर उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए कि लोगों को समझ में आए कि अगर किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश बिलोरे। ये बताइए कि ये जो कानून है ये मुसलमानों के से संबंधित कानून है, उनका कानून है, उसमें हिंदू समाज या हम कहें सकल हिंदू समाज उसमें क्यों जा रहा है, हाँ या ना करने के लिए? देखिए अगर कोई कानून से हिंदू भी प्रताड़ित हो रहा है तो वो कानून सिर्फ मुसलमान का कानून नहीं हो सकता है ना। कल अगर आके मैं अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूँ और आपके पास ये भी राइट्स नहीं रहेगा कि आप पुलिस में जाओ या कोर्ट में जाओ, तो आप क्या करोगे, वो कानून आपको भी इम्पैक्ट कर रहा है ना। तो आज ये कानून ऐसा है कि कल अगर कोई मुसलमान आता है और मेरे को बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी आपका घर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी पे आपको खाली करना पड़ेगा, तो मेरे पास मेरे को इतना भी राइट्स नहीं है कि मैं जाके पुलिस में कंप्लेंट करूँ या फिर मैं कोर्ट में जाऊँ, मेरे को उनके ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पे सभी लोग उनके होंगे, जज भी उनका होगा, वकील भी उनका होगा। तो आप बताइए कि इसमें मैं इम्पैक्ट हो रहा हूँ तो मेरे को तो काम करना ही पड़ेगा ना। मैं तो चाहूँगा कि सब हिंदू एक साथ हो जावे और इस बिल का समर्थन करे ताकि एक पारदर्शिता है। ये आप लोगों ने कब से लगाया है? ये पिछले 4 दिनों से हम लोगों ने लगाया हुआ है, ये कम से कम 25 से 30 पंडाल है हमारे यहाँ पे, सभी पंडालों में लगाया हुआ है ये। लोग आ रहे हैं और अच्छा समर्थन मिल रहा है, आप देख सकते हैं महिलाओं ने भी, हिंदू समाज के साथ में एक बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं बहुत सारे लोगों की वक्फ एक्ट क्या है, ये लगाने से लोगों पर जागरूकता आई है, उनको पता चला है कि भाई क्या है ये, तो वो समर्थन दे रहे हैं इनका। यही मैं पूछ लेता हूँ कि ये क्या है वक्फ कानून का, आपको पता है आप यहाँ पर वोटिंग करने आए हैं? ये वक्फ कानून ऐसा है कि ये जो वक्फ की जो जमीन है इसके ऊपर मुस्लिम अपना कब्जा बताते हैं, अपना वो करते हैं, इसके लिए ये जो सरकार जो कानून ला रही है उसका हम समर्थन करते हैं और ये कानून आना भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर क्या है कि मुस्लिम के अंदर जो ताकतवर मुस्लिम लोग हैं वो इसमें पैसा कमाते हैं और जो गरीब मुसलमान उसको कुछ नहीं मिलता, तो ये मुसलमान के लिए ही अच्छा कानून है। कानून ये कानून खराब तो कह रहे हैं कि उनके कानून में या उनके अधिकार में दखल दे रही है सरकार, उनको भड़काया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है। अगर वो ईमानदारी से समझेंगे, ईमानदारी से समझेंगे तो ये मुसलमान के लिए अच्छा कानून है और उसके हाँ उसको समझने नहीं देते, उनको कुछ लोग समझने नहीं दे रहे, ये उनको भी फायदा है। पहले पारदर्शिता नहीं थी, जो कानून आ रहा है उसे पारदर्शिता है और इसमें हिंदू भी सेफ रहेगा और मुस्लिम भी सेफ रहेगा। महिलाएं भी हैं, इन्हें से भी पूछ लेते हैं, आप लोग भी यहाँ पर आई हैं, आप लोग ने सबने यहाँ पे वोटिंग कर लिया? हाँ वोटिंग कर लिया। अच्छा क्या है वक्फ कानून? वक्त कानून यही है कि आने जगह जगह सबका हड़प करके रख ले रहे हैं और जिसको चाहिए जिसको नहीं है जो रोड पर है उसके लिए क्या है। तो आपको भी कहीं कहीं डर लग रहा है कि कभी वक्फ कानून के वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पर भी कब्जा कर लेगा? मेरे पीछे एक है मुसलमान, मेरे दीवार में एंगल गाड़ करके अपना बना लिया है, तो उसके लिए हमारे पास ताकत नहीं है लड़ने का, और पुलिस चौकी में जाओ तो वो पैसा खिला देता है तो उसका सब लोग सुनते हैं, अपने पास नहीं है इतना ताकत, इसके लिए छोड़ दिया कि आने ठीक है हड़पना है तो हड़प लो, क्या करें हम नहीं कहीं जा। क्या नाम आपका? श्याम लता राय। इसीलिए आप आई यहाँ पर वोटिंग करने के लिए? हम यहीं पर। वो मसला निजी है, ये वक्फ बोर्ड है, दोनों में थोड़ा सा फर्क? नहीं नहीं फर्क तो है ही है, वक्फ बोर्ड का है कि यानी ये लोग इतना
ताकतवर हो गए हैं कि जहां नहीं तहां हाथ रख देंगे तो उनका हो जाएगा, और जिसका है वो कहां जाएगा, जिसका असली है वो कहां जाएगा। तो ये बहस देश में फिलहाल शुरू है वक्फ कानून में संशोधन को लेकर। एक तरफ मुस्लिम पक्ष है जो कि संशोधन का विरोध कर रहा है, वो इसे उनके व्यक्तिगत निजी अधिकार धार्मिक अधिकारों में हनन का हनन बता रहा है सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ ये हिंदू समाज है जो चाहता है कि वक्फ कानून में जरूरी संशोधन हो ताकि उसमें पारदर्शिता आए। जो एक भय का वातावरण है कि वक्फ बोर्ड किसी की ज़मीन को अपनी ज़मीन बना लेता है फिर कहीं सुनवाई नहीं हो पाती है, तो वो अधिकार उसका छिन जाना चाहिए। कानून के तहत जो कोर्ट कचहरी है उसी के तहत जो फैसला हो उसी तरह का फैसला होना चाहिए, मान होना चाहिए, और वक्फ बोर्ड कानून भी उसी के तहत आना चाहिए। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू समाज भी वोटिंग करने के लिए आने वक्फ कानून संशोधन के पक्ष में बड़ी संख्या में उतर रहा है। मुंबई से कैमरामैन हेमंत सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।